हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम में क्या है, फैक्टोरियल या फिर प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट वन हो चुका है, आज हम लोग पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स पार्ट वन नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाके देखें, तभी उसके आगे आपको सारी चीजें समझने आएंगे। तो फ्रेंड्स, कह रहा है जैसा कि आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फैक्टोरियल 147 में 11 की पावर n में n का मैक्सिमम पावर आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया, करना कुछ नहीं है, 147 में आपको बताना है कि 11 की मैक्सिमम पावर, यानी 11 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 करना 11। यहां पे फ्रेंड्स आपको कितना बच गया, 37, 11 यानी 33। फ्रेंड्स, एक इंटीजर नंबर लेना है ये आप सभी लोगों को पता है, फिर 11 से करेंगे 11 करना 11, 13 एक 14, यानी फ्रेंड्स 14 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14। फिर फ्रेंड्स आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि प्राकृतिक संख्या, यदि आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या 1 से 476 को एक साथ गुणा किया जाता है, तो आपसे पूछा है उस गुणन में, फ्रेंड्स उस गुणन में आपको बताना है कि 13 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका पूछा है 13 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, यानी 13 का अधिकतम भाग क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, चाहे 1 से 476 तक एक साथ गुणा कर लीजिए, या आप कह लीजिए कि फैक्टोरियल 476 में 13 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। फ्रेंड्स, 13 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, कुछ करना नहीं है, बेहद आसान है क्वेश्चन को। देखिए, 476 को किससे आप लोग एलसीएम निकालते चले जाएंगे, एक इंटीजर नंबर लेना है 13। अब 13 तिया कितना जाएगा फ्रेंड्स, 39। 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। 17 में से 9 गया 8, यानी कितना हो जाएगा, 86। 13 छह 78, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 13 छह 78, 13 सत 91 ज्यादा चला जाएगा, तो मुझे एक इंटीजर नंबर लेना है। फिर मैं 13 से भाग करूंगा, तो 13 तिया 39 ज्यादा चला जाएगा, तो 13 दूनी 26, इसका मतलब 36 दो कितना आ गया फ्रेंड्स, 38। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स, बेहद आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप सभी लोगों से। तो फ्रेंड्स, आपको देखिए बहुत ध्यान से समझना है, अगर चीजें एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप सभी लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, 30 से 299 के बीच, किससे 30 से 299 के बीच आपको बताना क्या है फ्रेंड्स, 30 से 299 के बीच 11 का अधिकतम घात, 11 का अधिकतम घात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 30 से 299 के बीच पूछा है 11 का मैक्सिमम पावर। तो देखिए, अभी तो जो मैंने फ्रेंड्स आपसे बताया था वो 1 से लेके 299 तक का था, 1 से लेके 299 तक का था, लेकिन इस बार आपसे 30 से 299 के बीच का पूछा है। तो चलिए सबसे पहले 299 तक निकाल देते हैं कि इनके बीच कितने 11 की मैक्सिमम पावर होगी। तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स आपके पास, 779 हो गया। तो 11 सते 77, फिर 11 से ले जाएंगे कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 27 दो 29 यहाँ पे हो गए। ये फ्रेंड्स जो 29 आया ना, ये 1 से 299 तक का है। क्लियर है, इसके पहले यही निकाला जाता था। अब 30 तक का निकाल दीजिए, 30 में निकालेंगे फ्रेंड्स 11 से, तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, यानी इसका मतलब ये दो माइनस हो जाएगा, 29 माइनस दो कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यानी 29 से दो घटा देंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा, 27। इस बात का ध्यान देना, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पहले 1 से 299 तक का निकालना है फ्रेंड्स, फिर 1 से 30 तक का आप घटा देंगे तो बड़े आसानी से निकल जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जो है निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो था फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों के प्राइम नंबर का पूछा था, क्लियर। जैसे मान लो फ्रेंड्स प्राइम नंबर ना दे, मैं आगे आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी लोग ट्राई करिएगा, बाद में आपको एकदम कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 149 में आप सभी लोगों को बताना है कि यह पूरी तरह से 14 से विभाज्य है। पूरी तरह से किससे विभाज्य है? 14 की पावर n से। तो आपको n का अधिकतम मान बताना है। n का क्या बताना है फ्रेंड्स? अधिकतम मान, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा कि जैसे आपसे पूछ ले कि फैक्टोरियल 5 में 6 की अधिकतम घात बताइए, तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स? 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब देखिए 6 की मैक्सिमम पावर पूछा है, तो मुझे 6 लाने के लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए? 6 लाने के लिए देखिए 2 यहाँ पे एक बार आया, 2 उसके बाद यहाँ पे 3 है और 4 में भी 2 है, 4 में 2 है, 1 3 यहाँ है। तो मुझे 6 लाने के लिए फ्रेंड्स 2 और 3 चाहिए। क्या चाहिए? 2 और 3 चाहिए। अगर फैक्टोरियल 5 में 6 की मैक्सिमम पावर पूछूं तो यहाँ पे देखिए 2 आपके पास कितना आया? 3 बार आया। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 3 कितनी बार आया? 1 बार। अगर मैं फैक्टोरियल 5 में 6 की मैक्सिमम पावर पूछूं तो आप सभी लोग क्या बता पाएंगे? 1, क्योंकि 6 किससे मिलकर बना है फ्रेंड्स? 2 और 3 से, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स संख्या जो फैक्टोरियल में है, जो संख्या पहले आती है वो ज्यादा बार आया है और जो संख्या कम बार आती है वो कम, जो संख्या बाद में आती है वो कम बार आया है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी जो देखिए ज्यादा बार आया है तो वो आंसर आपका नहीं होगा, जो कम बार आया है वही आपका आंसर होगा, क्लियर है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ। जैसे समझ लीजिए एक मैरिज ब्यूरो है फ्रेंड्स। अगर मान लेते हैं कि एक मैरिज ब्यूरो है, मान लीजिए बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, मान लीजिए आपके पास 10 बॉयज हैं, 17 गर्ल्स हैं। अगर मैं फ्रेंड्स आपसे पूछूं आप कितने लोगों की शादियां करा पाएंगे, तो सभी बच्चे कहेंगे कि सर हम 10 लोगों की ही शादी करा सकते हैं, क्लियर है। यही बात तो है, यानी आप कितने लोगों की शादी करा पाएंगे? मात्र 10 लोगों की, क्योंकि मुझे शादी के लिए फ्रेंड्स मुझे पेयर चाहिए। क्या चाहिए? पेयर। तो इसका मतलब सेम यही प्रोसेस इसके साथ था। कल को जैसे मैं आपसे कह दूं क्योंकि 20 बॉयज हैं 10 गर्ल्स हैं, तो आप लोग फ्रेंड्स कितने लोगों की शादी करा पाएंगे? तो आप लोग कहेंगे सर 10 की शादी करा पाएंगे। तो सेम प्रोसेस फ्रेंड्स यहां भी वही होता है। तो इसका मतलब कि मुझे क्या निकालना है, तो मुझे यहां पे 6 की मैक्सिमम पावर पूछा गया है, तो मुझे 6 लाने के लिए 2-3 की जरूरत होगी और 2-3 बनाने के लिए मुझे पेयर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इस बात का ये भी ध्यान देना कि अगर फैक्टोरियल में है, अगर जो संख्या पहले आती है तो फ्रेंड्स वो सबसे ज्यादा बार आएगी, जो संख्या बाद में आती है तो वो कम बार आएगी। तो मुझे इसमें जो है डायरेक्ट मुझे ज्यादा वाला नहीं निकालना है, कम वाला निकालना है। बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स? इस मैरिज ब्यूरो से और भी ज्यादा बातें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे चुटकियां बजाते हुए कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 5 में 6 की अधिकतम घात बताइए, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा क्या निकाल दीजिए? 3 × 3 यही एक आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? आंसर। बात समझ में आई? तो चलिए फ्रेंड्स जैसे मैं आपसे कह दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 50 में 6 की अधिकतम घात बताइए, तो फैक्टोरियल 50 में 6 की अधिकतम घात क्या होगी ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा, फैक्टोरियल 50 में 6 की अधिकतम घात, पहले इसको समझ लीजिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को इसके बाद करवा रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। जैसे फैक्टोरियल 50 में 6 की अधिकतम घात पूछे, तो देखिए 50 में अगर आप करेंगे तो 2 पहले आता है, तो 2 सबसे ज्यादा बार आएगा, तो फ्रेंड्स मुझे ज्यादा बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ कि
अगर मुझे फैक्टोरियल 50 में मैं 2 निकालता हूँ, तो 2 से निकालेंगे 25 दूनी 50, 2 से निकालेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 2 छह 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 इकन्ना 2, क्लियर है। तो यानी यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 25 में 12 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 37, और 37 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 37 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43, 43 तीन 46 एक 47, यानी 47 आपके पास 2 हो गए, 47 आपके पास नंबर ऑफ 2 हो गए। और 50 में मुझे अगर नंबर ऑफ 3 निकालना है तो 3 से कितनी बार फ्रेंड्स चला जाएगा 16 तिया 48, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 51 3, क्लियर है। यानी एक इंटीजर नंबर लेना है तो 16 5 आप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 21 एक 22, यानी नंबर आप 3 मेरे पास 22 है और नंबर आप हो 47 है। तो यानी यहाँ पे जो 6 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स कम वाला हो जाएगा, यानी 6 की जो मैक्सिमम पावर है वो कितना हो जाएगी 22, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, तो आप लोग कहेंगे हाँ सर बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 49 में अगर 14 की पावर n है तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 7 14 को आप 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 सबसे ज्यादा बार आएगा, 2 सबसे ज्यादा बार आएगा, तो इसका मतलब मैं इसमें फैक्टोरियल 149 में नंबर आप 7 निकाल दूंगा। तो 149 में अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 इकन्नम 7, एक इंटीजर नंबर लेना है, क्लियर है। फिर 7 से करते हैं तो 7 3 21, 21 3 कितना हो गया फ्रेंड्स 24, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है फ्रेंड्स। यानी जो 24 है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स आप लोग बड़ी आसानी से बना ले जाएंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपसे फ्रेंड्स पूछूं ये फैक्टोरियल 129 में, फैक्टोरियल 129 में 12 की मैक्सिमम पावर बताइए, 12 की मैक्सिमम पावर बताइए, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से आप लोगों को करना है, 12 की मैक्सिमम पावर बताना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे 12। अब यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इंटू 3, इंटू 3, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, अब मुझे यहाँ पे 2 भी निकालना होगा 3 भी निकालना होगा, इस बात का ध्यान लेना। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करके आते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा। फैक्टोरियल 129 में पहले मैं नंबर ऑफ 2 निकालूंगा, 2 निकालूंगा 2 छह 12 और 2 चौके 8, क्लियर है। फिर 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 2 9 4, 2 51 2, क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए आपके पास कितना आ गया फ्रेंड्स 4 2 6 6 4, 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 के साथ 2 2 आ गया, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, यानी मेरे पास 127 2 आ गए, 127 क्या आ गए 2 आ गए। अगर मैं 3 की बात करूं, किसकी बात करूं फ्रेंड्स, 100 फैक्टोरियल 129 में 3, तो 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, क्लियर है। मैं फिर 3 से करता हूं 3 इकन्नम 3 चौके 12, मैं फिर 3 से करता हूं तो आप यहां पे कितना हो जाएगा 3 बार 3 चौके 12, फिर 3 इकन्नम 3, क्लियर है। तो यहां पे कितना आ गया फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 की 2 1 आ गया, 4 1 5 1 6, यहां पे 62 3 आ गए, 62 3 आ गए। यहां पे फ्रेंड्स एक बात ध्यान देना, 2 की पावर 2 है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 2 की पावर 6 है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 की पावर 2 टर्म में है, इस बात का ध्यान देना, तो क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो सेम वही अगर 2 मान लीजिए 6 बार आया है तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ,
क्लियर है, लिख सकता हूं कि नहीं, यानी 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहीं पर 7 होता तो 1-2 मैं एक्स्ट्रा लिख लेता, इस बात का ध्यान देना। इसका अगर मैं 2 का आधा कर दूं तो 2×6=12 और 2×3=6, यानी यहाँ पे कितना 2 आएगा 63, यानी अगर मैं 4 की पावर की बात करूँ तो यहाँ पे 63 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? 63, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। और यहाँ पे कितना है? 62। तो सबसे कम 3 आया है, इसका मतलब यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 था, 2 की पावर क्या था 2 था, तो इस टर्म में मुझको इसको सेट करना था। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 62। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए हम आज के दिन का, आज के सफर का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, जैसे कह दे फ्रेंड्स, जैसे आपसे कहते हैं कि फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39 में 10 की उच्चतम घात बताइए, में 10 की मैक्सिमम पावर बताइए, तो कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39 है, तो ये फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 39 × फैक्टोरियल 38 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फैक्टोरियल 38 कॉमन हो जाएगा, तो a+39 आएगा, a+ क्या आ जाएगा 39, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से फैक्टोरियल 38 × क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 40। अब 10 की मैक्सिमम पावर पूछा है, तो फैक्टोरियल 38 में 2 ज्यादा बार आएगा, तो इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो 38 में नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, 5 × 7=35 और 5 × 5=5, यहां पे आ गया। मैं 40 को फ्रेंड्स क्या लिख सकता हूं? 5 × 8 लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे हां बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 7 × 1=8 यहां से आ गया फ्रेंड्स, यहां से 5 की पावर कितना आ गई? 8, यानी 8 यहां से आ गया, और 40 यानी जो 40 में भी 1/5 है, 40 में भी फ्रेंड्स क्या है? 1/5 है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं नंबर ऑफ 40 में क्या निकालूंगा? इतना, तो यानी इस क्वेश्चन का 1/5 यहां पे है, 8 है यहां पे, 8 है यहां पे, 1 है, तो इसका मतलब 8 है कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो जिन बच्चों को अगर नहीं, एक बार भी नहीं समझ में आया है, तो वो लोग दोबारा जरूर जाके देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को, जो भी नए बच्चे हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।